प्यार है याद रखो याद रखो, ये मेरा घर है याद रखो याद रखो। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना चैनल सी टी वी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह शराफत मुगल। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है। मुल्क के 76वें यौम आज़ादी पर लबों पर वतन अजीज के लिए एक ही दुआ, गली गली कोने कोने में जश्न, नगर नगर सब्ज हलाली परचमों की बहार, कहीं फलक शगाफ नारों की गूंज तो कहीं केक कटिंग की आवाज़, पूरी कौम यक जबान, पाक वतन के लिए जान भी कुर्बान। लाहौर कराची पेशावर क्वेटा और इस्लामाबाद में भी सब्ज हलाली परचम कुशाई की मरकजी तकरीब, सरकारी दफातर म्यूनसिपल कमेटीज अदालतों फौजी और पुलिस हेड क्वार्टर में भी मरकजी तकरीब का इनकार। और नाज़रीन खबर के दौरान में आगे बढ़ते आपको इसी हवाले से खबर दें, मंडी अहमदाबाद से हमारे नुमाइंदे चौधरी अब्दुल कयूम अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी अहमदाबाद में 14 अगस्त जश्न आज़ादी की परचम कुशाई की तकरीब जो कि टाउन कमेटी मंडी अहमदाबाद में मुनक्कद हुई, जिसमें पंजाब पुलिस सहाफती और सियासी और समाजी रहनुमाओं की भरपूर शिरकत। इस मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए, थाना मंडी अहमदाबाद पुलिस की जानब से पुलिस की परेड और परचम कुशाई की गई। और नाजरीन आपको मजीद बताएं कि सब्ज हलाली परचम को सलामी पेश की गई। और इस हवाले से आपको मजीद बताएं कि मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने मुख्तलिफ तकरीर में अपने फन का मुजाहरा किया। मेरी माओ ने आंखों के उजाले दे दिए जिसको, मेरी माओ ने आंखों के उजाले दे दिए जिसको, मेरी बहनों ने अफशां के सितारे दे दिए जिसको, जिसे बख्शा है सबों ने लिबास से मुश्के फू अपना, शहीदों ने निछावर कर दिया जिस पर लहू अपना, रफीकाने जहां में जिस तरह ईमान जिंदा है, वो पाकिस्तान जिंदा था वो पाकिस्तान जिंदा है। आज के दिन आजाद हुए हम, आज के दिन सब दूर हुए गम, लहराया आजाद फिजा में चांद सितारे वाला परचम। असले पे पता होना चाहिए इसमें सुल्तान टिपका कौन, सर सैयद की निगाह, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का अफकार और क्याद आजम के चौथे मुसलसल शामिल है। और उन सब का मकसद एक था, वो ये था कि आजाद खुद मुख्तियार इस्लामी मुल्कत का कसूर। और नाज़रीन इसी खबर के साथ मुझे यानी शाफत मुगल को अपनी न्यूज़ टीम के हमराह दें इजाज़त, ऐसी मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें अपना चैनल सी टी वी न्यूज़।